मुंबई में पिछले 24 घंटों में पुलिस पर हमले की 3 घटनाएं हुई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, इस संबंध में अब देवनार, कुरार और साकीनाका थाने में मामला दर्ज किया गया है। देवनार में हुई घटना में एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ पिटाई की गई। महिला सिपाही मनीषा देशमुख की शिकायत पर अब आरोपियों पर मामला दर्ज हो चुका है। दूसरी घटना गोवंडी में हुई, जिसमें मानकुर और घाटकोपर मार्ग पर लजित होटल के पास सड़क पर एक दंपति लड़ रहे थे, तब वहां पर शिकायतकर्ता महिला पुलिस अधिकारी और बाकी पुलिस वहां पर पहुंचे और महिला आरोपी साफिया खान ने महिला पुलिस अधिकारी के बाल पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और बाइक पर धक्का दे दिया। साथ ही आरोपी महिला के पति ने पुलिस कांस्टेबल गोरे के कान के नीचे वार कर उसकी दाहिनी आंख के नीचे उसे जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद साफिया खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पति फिरोज खान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है। तीसरी घटना की बात करें तो पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी साकीनाका इलाके में संघर्ष नगर स्थित एक इमारत के पीछे संदिग्ध रूप से घूम रहा है। जब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया तो उसने पुलिस पर हमला बोल दिया। रॉबिन को पुलिस की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में अलग अलग जगहों पर ये 3 मामले हुए हैं जिसमें पुलिस पर हमला किया गया।